अभी डीजल डलवा रहे हैं और आज हमारे पार्टनर हैं ये मिस्टर जितेंद्र जी उर्फ जीतू सेठ। तो डीजल डलवा के फिर निकलते हैं यहाँ से और आपको अपडेट देते हैं। हाँ जी, तो ये जो ट्रिप है ये हमारे जीतू सेठ ने ऑर्गेनाइज़ की है। मतलब ये ऑर्गेनाइज बेसिकली ये इनका आइडिया था, यहाँ पे ऐसी एक ट्रिप बनाएं सिंगल डे, आना जाना करें, कुछ एडवेंचरस हो, लाइफ बड़ी बोरिंग सी हो गई है। तो अब ये बताएंगे कि वहाँ है क्या क्या। हमारा प्लान एकदम से बना, बीच में कई काम आ गया तो उस चक्कर में हम लेट हो गए। पर आपको जाना है तो मोस्टली मैं प्रेफर करूँगा आप सुबह जाना, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पर क्या है बहुत अच्छा व्यू आपको दिखेगा। आज हम जहाँ जा रहे हैं वो है आपका ढोसे का पहाड़। अब ये आपका बेसिकली पड़ता है आपका हरियाणा और राजस्थान के सीमा के पास। अगर आप राजस्थान से हो तो ये महेंद्रगढ़ आपका महेंद्रगढ़ के पास पड़ेगा। अब आप अगर आप यहाँ दिल्ली से जाते हो तो दिल्ली से ऑलमोस्ट आपका 3 से 3.5 घंटे लगेंगे आपको वहाँ पहुँचने में। देखिए भाई साहब, देखिए ये बहुत ही प्राचीन मंदिर, ये देखिए इसका क्या महत्व है हमें भी नहीं पता, लेकिन हम चले जा रहे हैं। यहाँ आपकी ट्रेसर से पहाड़ सारी पूरी होगी। देखो देखो सूखे सूखे पहाड़, ये जंगल है जिसमें आर पार दिखता है। ऐसे जंगल देखे गई, कीकर के जंगल है कीकर। ये देखो जी, ये पहाड़ों को काटने वाला औजार निकला है, इन्होंने आधे से ज्यादा दुनिया के पहाड़ साफ कर दिए हैं। क्योंकि ये लोंडो की बच्चों की फोटो लग रही है, देख ये मार्क्स ज्यादा लेके आए। इंटरनेशनल स्कूल है, हल्के में ले रहा तू, बड़ी जंप मार रहा है। ये देख इन्होंने हाथ पकड़ के छोड़ दिया गाड़ी पास आते। बोलो सेठ, ये देख जानवर आया रोड पे। ओ माई गॉड, ये तो तेंदुआ लग रहा है। खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला, बेचारा गरीब हो गया। गाड़ी हो गई हमारी वहां खड़ी और अब हम चल दिए। हाँ भी छोड़ू, क्या हाल है तेरे भाई? राम राम, क्या हाल है? मजे आ रहे जीतू सेठ को पूरे पूरे पहाड़ी देख रहे हो? एक का तो काम हो गया, सूख भी गया। वाह, इसे कहते हैं स्टेप्स, लंबे लंबे कदम। भाई साहब ऐसे बनते होंगे ना सर, ये बड़ी बड़ी चट्टानें। ऑलमोस्ट साफ आ गए हम, ये देखो पीछे का। मस्त जगह हैं अगर ट्रैकिंग का कोई शौक करो तो। भाइयों अपना एक साथी तो घायल हो गया, वो तो घायल क्या हो गया, उसको वॉमिटिंग वगैरह आ गई है तो तबीयत उसकी ठीक नहीं है। और बचे हम तो एज़ यूजुअल तुम्हारा शेयर चल रहा है। पहुंचने वाले हैं, किले की तरह बना रखा ऊपर। सही है, देखते हैं करते, काफी नीचे से आ गए। चलो थोड़ा और रह गया, देखते क्या है ऊपर।
गौशाला यहाँ की। पेड़ जो है ये वट वृक्ष के रूप में है, और इस पेड़ की अगर हम आयु की बात करें तो वो कम से कम जहाँ तक हमें जानकारी मिली है 700 से 800 साल पुराना ये वट वृक्ष है, जो कि इनकी खुद की जो श्रृंखलाएं हैं वो चार श्रृंखलाएं ऑलरेडी सेट हो चुकी हैं। वट का अर्थ है कि छाया, और वो इतना बढ़ने वाला पेड़ है काफ़ी, जो कि ये तस्वीर के माध्यम से हम दिखा सकते हैं कि चार चार श्रृंखलाएं जो हैं इसकी निकली हुई हैं। यहाँ पे पीछे मेरे पीछे अगर देखेंगे तो ये एक जिसे पौंड बोल सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी। पौंड ये भी 700 से 800 साल पहले जब पांडव जब यहाँ से प्रस्थान किया था, हाँ प्रस्थान करने के बाद उनकी जो बहन सोमोति जिनका नाम से एक ज्ञात होता है, जानकारी जो हमें यहाँ से मिली है, हाँ स्थानीय लोगों से जानकारी मिली है, उनका कहना है कि 700 से 800 साल पहले जब पांडवों ने जब यहाँ से प्रस्थान किया था तो उनकी बहन सोमोति यहाँ पर उनके पीछे पीछे आई थी, और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने एक वचन दिया था कि ये जो पौंड है इसमें कभी भी पानी नहीं सूखेगा। उस दिन से लेकर आज तक यहाँ पे हजारों नहीं लाखों में जो श्रद्धालु हैं जो दर्शक के रूप में जो है यहाँ पे आते हैं। और तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो ये जो पूरी अरावली श्रृंखला है, इन श्रृंखलाओं को देखते हैं कि कितनी पुरानी पुरानी जो चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ देखने को मिल रही हैं। एक आपने उनका बताया था क्या नाम है, चौन ऋषि नहीं जो गुरु जी, जी 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 ये जो मंदिर की जैसे बात बता रहे हैं कि ऋषि चौन जी जो कि स्थायी 100 साल पूरे होने के बाद जब यहाँ पे एक चौन ऋषि के रूप में उनकी उन्होंने खुद एक यौवन आ गया था, हाँ जी, हाँ जी। और ये जो अभी वर्तमान में जो महाराज जड़ी बूटियां इस्तेमाल कर जी जी महाराज जो नरसिंह जी जो हैं जो कि एमपी से संबंध रखते हैं, ये 8वीं पीढ़ी है, 8वीं पूरी पीढ़ी है। अगर हम 100-100 साल की भी अगर लेके चलें तो सिंपल सा है कि यहाँ 8वीं पीढ़ी ये अभी वर्तमान में अभी विद्वान है जो कि इस मंदिर की पूरी देखरेख में लगे हुए हैं। थैंक यू सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अमित यादव नारनूल से। बिल्कुल शांति, बढ़िया। कह रही हैं आप अपने घर जाओ, हमें ना सताओ, अलग सी शांति है वगैरह हो गई है उसको, तो उसको भी देखना है। बाकी मेरा जो मकसद था यहाँ आने का और यहाँ जानने का वो तो पूरा हुआ, और इसी बहाने मैंने आपको भी बताया ये चरम ऋषि जो थे उन्हीं की जगह हैं, यहीं वो तप करते थे। तो आप सोच के देखिए, कोई सोच सकता है कि ऐसी जंग मतलब ऐसी झाड़ियाँ और ऐसी जगह, कोई ऐसी जड़ी बूटियाँ भी हैं जिनको लेके उन्होंने बना चरम प्राश, और 100 साल की उम्र में उसे कंज्यूम करके और वो बिल्कुल यंग बन। ऐसा नहीं है, हमारा इतिहास ही ऐसा है कि ये चीज़ें बोली हुई नहीं है, इनके रिजल्ट्स दिखते हैं। टाइम जाना है नहीं तो रुक भी सकते थे, लेकिन अब अंधेरे से पहले पहले मेरे को नीचे पहुँचना है, उसको भी उठाना है और थोड़ा सा संभल के चलना है क्योंकि रास्ता सही नहीं है, बजरी बजरी फैली हुई है। मज़ा आया, थोड़ा ट्रैक भी हुआ, कुछ ट्रेडिशनल भी हुआ, कुछ नई नॉलेज भी मिली। चढ़ने में इतना दिक्कत थी लेकिन उतरने में मेरे को लग रहा उससे ज़्यादा दिक्कत है, नहीं पाओगे, और फिर तो जल्दी उतर जाओगे, काफ़ी जल्दी उतरोगे।
कहाँ तक जाओगे तो आप अंदाज़ा लगा ही लो। मौसम ठंडा हो गया, हवा चल रही है ठंडी, यहाँ पास आ गए। अभी लग रहा था कितने ऊपर हैं थोड़ी देर पहले, और इतनी देर में ही नीचे उतर गए। ओह, अब तो ऐसा लग रहा है घुटनों में से आवाज़ें आ रही हैं। ये सबसे ख़तरनाक लगता है, क्योंकि इसमें पैर ऐसे ऐसे, और पत्थर ना स्लिप हो जाए। बेबी स्टेप, बेबी स्टेप। एक पैर गलत रखा था, या तो अगली टांग आगे, पिछली टांग पीछे, तो बस पहुंच ही गए। हमारा घायल शेर हो रहा। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम।